नमस्कार दोस्तों, आज हम पेल्टियर मॉड्यूल के बारे में जानने जा रहे हैं जो थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग में इसका यूज़ किया जाता है। ये एक प्रकार से एक छोटा एसी है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं ये मॉड्यूल क्या होता है, कैसे काम करता है। तो इस पे आप एक नंबर देख पा रहे होंगे जिसे आइडेंटिफिकेशन आईडी कहा जाता है, जिसका कोडिंग ऐसे होता है। और जो पहला लेटर टी ई होता है वो थर्मो इलेक्ट्रिक होता है, उसके बाद वाला लेटर जो सी दिख रहा है वो साइज डिनोट करता है, जो कि सी का मतलब स्टैंडर्ड साइज होता है, और अगर इसके जगह एस होगा तो इसका स्मॉल साइज होता है। और इसके बाद जो डिजिट वन दिखाई दे रहा है वो नंबर ऑफ स्टेजेस इंडिकेट करता है, जैसे इस मॉड्यूल के केस में ये सिंगल स्टेज मॉड्यूल है। इसके बाद वाले जो दो डिजिट है 12, जो नंबर ऑफ कपल्स बताते हैं, जो पी एन कपल्स सेमीकंडक्टर कपल्स बताते हैं कि कितने कपल्स हैं, तो इस केस में 127 कपल्स हैं। इसके आखिरी वाले दो जो डिजिट है जैसे 06, ये इस डिवाइस की करंट रेटिंग बताते हैं। ये टिपिकली 06 या 09 होता है, जिसका मतलब अगर ये 06 है तो ये 6 एम्प्स इसकी करंट रेटिंग है, अगर ये 09 है तो इसकी 9 एम्प्स करंट रेटिंग है। इसके दो लीड्स होते हैं बेसिकली, ये पोलैरिटी वाइज जो रेड है वो पॉजिटिव कनेक्शन है, और जो ब्लैक लीड है वो निगेटिव कनेक्शन होता है। तो आइए इसको जानते हैं, इसकी वायरिंग के बाद में इसकी कूलिंग कैसे करते हैं। जनरली इसकी थिकनेस जो है वो काफ़ी कम होती है, इसकी एक साइड जो नॉन प्रिंटेड है वो जनरली हीटेड साइड है, और जहाँ पे ये आईडी प्रिंटेड है ये कोल्ड साइड होती है। जब आप पावर सप्लाई इसको कनेक्ट करते हैं करेक्ट पोलैरिटी में, मतलब रेड लीड पॉजिटिव टर्मिनल एंड ब्लैक लीड नेगेटिव को 12 वोल्ट डीसी सप्लाई में, तो जो ये आईडी प्रिंटेड वाली साइड है वो कूल हो जाती है, और जो प्लेन साइड है ये गर्म हो जाती है। तो जनरली ये इतनी ठंडी या इतनी गर्म होती है कि इसको सेफ्टी प्रिकॉशन के तहत इसे डायरेक्टली हाथ में पकड़ना सही नहीं है जब ये कनेक्टेड होती है पावर सप्लाई की, और इसके हीटेड साइड को हीट सिंक देना चाहिए ताकि इसकी हीट को डिसिपेट किया जा सके और ताकि कूलिंग अच्छे से हो सके। याद रखना, यहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी है कि इसके इस डिवाइस का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, वर्किंग टेम्परेचर डिफरेंस, वो 65 डिग्री जनरली होता है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हम हॉट साइड को की हीट को डिसिपेट नहीं करेंगे तो जो कोल्ड साइड है वो प्रॉपरली कूल नहीं हो पाएगी। तो जितना हम हॉट साइड को की हीट कम रखें, टेम्परेचर को बढ़ने से रोकेंगे हीट डिसिपेट करके, उतना कोल्ड एंड में आपको माइनस 30 डिग्री तक आप उसको टेम्परेचर ले जा सकते हैं। डिपेंड्स, जो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में है वो 65 डिग्री का रहता है। तो इसको किस प्रकार से आप हीट डिसिपेट कर सकते हैं? जनरली इसके लिए एल्युमिनियम हीट सिंक की को यूज़ किया जा सकता है, जो फर्दर एयर कूल्ड हो सकता है या वाटर कूल्ड। एयर कूलिंग में इस हीट सिंक को एक फ़ैन कनेक्टेड होता है जो इसके ऊपर फोर्स्ड एयर कूलिंग करता है, एयर कन्वेक्शन, फोर्स्ड एयर कन्वेक्शन कूलिंग बोलते हैं उसे। और दूसरी टाइप के कूलिंग में इसमें वाटर कूल्ड हीट सिंक, जिसे कूल्ड सरफेस या कूल प्लेट भी बोला जाता है, जिसमें एक बॉक्स टाइप अरेंजमेंट होता है जिसमें से वाटर फ्लो किया जाता है कूलिंग के लिए, जो हीट डिसिपेट करता है उस वाटर को, कूलिंग सर्किट में से सर्कुलेट किया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं हम कि कैसे इसका कनेक्शन होता है और कैसे इसकी वर्किंग। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक 12 वोल्ट पावर सप्लाई का यूज़ किया है, जो 30 एम्प्स जिसकी रेटिंग है, 12 वोल्ट डीसी 30 एम्पियर कैपेसिटी। इसको मैंने डायरेक्टली वायर किया है एक
पेल्टियर मॉड्यूल को, और एक एल्युमिनियम हीट सिंक विदाउट कूलिंग फैन मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्टेडी वाटर पूल में मैंने इस हीट सिंक को लगा रखा है कूलिंग के लिए। सो यहाँ पे कोई सर्कुलेशन नहीं है, यहाँ की हीट कन्वेक्शन में हीट सिंक से पानी में ट्रांसफ़र हो रही है, जो मॉड्यूल की हीट है वो हीट सिंक में कंडक्शन से जा रही है, और कन्वेक्शन वे में यहाँ की जो हीट है हीट सिंक से ये वाटर डिसिपेट कर रहा है इतने सरफेस में। तो चलिए हम इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है, ये कितनी ठंडी होती है। एक और चीज़ ध्यान देने योग्य ये है कि इस मॉड्यूल को हीट सिंक से कनेक्ट करने के लिए हमें एक थर्मल पेस्ट की ज़रूरत होती है, ताकि जो सरफेस है ये, इसे हीट सिंक थर्मल पेस्ट बोलते हैं, ये इसलिए यूज़ करना पड़ता है कि जो हीट सिंक और जो ये मॉड्यूल का सरफेस है, सरफेस में प्रॉपर कांटेक्ट हो और हॉट स्पॉट्स ना बने और हीट डिसिपेशन प्रॉपर हो। तो दोस्तों मैंने अपने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया है, ये हीट पेल्टियर मॉड्यूल ठंडा होना शुरू हो गया है, मैं इसे फील कर सकता हूँ कि ये काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो इसमें पानी के कुछ बूंदे डाल के देख लेते हैं कि ये क्या, इसका बर्फ हम बना सकते हैं। इसमें कम से कम 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। मैं कुछ और पानी इस पर बिल्डअप कर देता हूँ। तो मैंने इसे थोड़ा रीअरेंज किया है ताकि एक अच्छा व्यू मिल सके। तो जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, पानी काफ़ी हद तक फ्रीज हो चुका है, और मैं इसमें थोड़ा और पानी डालूँगा ताकि हमारी जो आइस की स्लैब है वो थोड़ी थिक बने, ताकि मैं इसे कैमरे पे आपको निकाल के दिखा सकूँ। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा प्लेट में पानी है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे हल्का सा राइज हो चुका है, और इस प्लेट पे मुझे हल्की सी बर्फ की लेयर बनी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसका हम वेट करेंगे जब तक कि पूरी सॉलिड ना हो जाए। दोस्तों मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा लगे कि यह रियल टाइम में कितना समय लेती है इतने पानी को फ्रीज कराने के लिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यह पानी पूरा आइस हो चुका है। मैं पावर सप्लाई बंद करके आपको इस बर्फ को निकाल के दिखाना चाहूँगा। तो मैंने पावर सप्लाई बंद किया है, ये चिप आसानी से निकलने लायक दिख रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये बर्फ बना हुआ पानी का आप देख सकते हैं। सॉरी। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम एक जल्दी से किसी भी चीज़ को कूल कर सकते हैं इस पेल्टियर मॉड्यूल को यूज़ करके, जिसकी पावर सप्लाई भी 12 वोल्ट डीसी होने की वजह से काफ़ी पोर्टेबिलिटी, ये काफ़ी पोर्टेबल है और हम इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कार, अपनी कार में है, या कहीं हम पिकनिक पे जा रहे हैं तो एक छोटा सा कूलिंग मॉड्यूल भी इसका बना के छोटे फ्रिज की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारी
सोडा वाटर बॉटल या फिर किसी कोक कैन को कूलिंग के लिए ट्रैवल कूलर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, प्योरली इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो इसके वजह से ये मेंटेनेंस फ्री चीज़ है। लेकिन इसकी इफ़िशिएंसी जो मैकेनिकल कंप्रेसर बेस्ड कूलर्स होते हैं, जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उतनी इसकी इफ़िशिएंसी नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होने की वजह से इसमें हीट डिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि एक हिसाब से पावर लॉस होता है। तो इसकी इफ़िशिएंसी कंप्रेसर बेस्ड रेफ्रिजरेटर से कम होती है। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो मैं जिससे मुझे आगे और वीडियोस ऐसे बना के डालने के लिए प्रेरणा मिल सके। थैंक यू।